मधुमक्खी पालन को व्यवसायिक रूप से क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन को व्यवसायिक रूप से कहते हैं एपिकल्चर। अब मधुमक्खी का हम वर्गीकरण देखेंगे, तो मधुमक्खी की यदि हम संघ की बात करें तो मधुमक्खी का संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। संघ के पहले आता है किंगडम या जगत, तो जगत की बात करें तो मधुमक्खी का जो जगत है एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब सभी जो जंतु होते हैं वो कौन से जगत में आते हैं, तो सभी जंतु याद रखना एनिमेलिया में आते हैं। फिर इसका जो फिलम या संघ जो होता है वो कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। और आर्थ्रोपोडा की यदि हम क्लास की बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी की क्लास कौन सी है, तो मधुमक्खी की क्लास इंसेक्टा है। मधुमक्खी की क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मधुमक्खी की इंसेक्टा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर पीएटी में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो क्लास इंसेक्टा होती है इसकी विशेषताएं होती है, क्लास इंसेक्टा की विशेषताएं क्या होती है, तो क्लास इंसेक्टा की विशेषताएं क्या होती है, तो क्लास इंसेक्टा की विशेषता, पहली विशेषता आप याद रखिएगा कि इनमें तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है। तीन जोड़ी टांगे मतलब क्या होता है, तीन जोड़ी टांगे मतलब छह टांगे पाई जाती है, तीन तो इस साइड और तीन उस साइड। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है, और तीन जोड़ी जो टांगे होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो संधियुक्त होती है। संधियुक्त होती है मतलब इनमें क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से जोड़ पाए जाते हैं। तो मधुमक्खी की हम बात करें तो संघ आर्थ्रोपोडा और क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। इंसेक्टा के बाद में जो सब क्लास है वो है टेरिकोटा, और ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा। कुल है इसका एपिडी। मधुमक्खी का कुल कौन सा है, एपिडी। मधुमक्खी का कुल है एपिडी। इसके पहले हमने देखा है गाय का कुल कौन सा है, तो गाय का कुल है बोविडी। भैंस का भी है बोविडी। बकरी का कुल कौन सा है, बकरी का है कैप्रिडी। और जो भेड़ बकरी का कैप्रिडी। और वंश की यदि हम बात करें तो मधुमक्खी का वंश कौन सा है, तो एपिस। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम की। तो भारत में जो सामान्यतः मधुमक्खी पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं कि भारतीय मधुमक्खी जो होती है, भारतीय मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा इस प्रकार से पीएटी में क्वेश्चन आता है कि भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। भारत में पाई जाने वाली अन्य प्रजातियां, ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एपिस इंडिका पाई जाती है, भारत में मधुमक्खी की और भी प्रजाति पाई जाती है जो मूलतः तो विदेशों की है, मतलब और कहीं की है, लेकिन ये भारत में पाई जाती है। तो भारत में मधुमक्खी की अन्य जो प्रजातियां पाई जाती है वो कौन कौन सी है, तो एक तो है एपिस डोर्सेटा और एक है एपिस फ्लोरिया। अब यहाँ पर जो इसमें हमारे पीडीएफ में लिखा है ये फ्लोरिया लिखा है, लेकिन ये फ्लोरिया नहीं, ये आधा फ है। क्या है, ये आधा फ। तो हम बोल सकते हैं एपिस डोर्सेटा और एपिस फ्लोरिया। तो फिर से देखते हैं वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, तो एपिकल्चर कहते हैं। या व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का कुल कौन सा है, तो मधुमक्खी का कुल कौन सा है, एपिडी है। वंश कौन सा है, एपिस है। और भारतीय मक्खी है तो उसे क्या बोलेंगे, एपिस इंडिका। और कोई सी दूसरी मधुमक्खी है तो वो कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है भारत में, तो एक तो एपिस डोर्सेटा और एक एपिस फ्लोरिया। अब आपसे पूछ ले कि भारत में मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो याद रखिएगा भारत में मधुमक्खियों की पांच प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है भारत में मधुमक्खियों की, पांच। कौन कौन सी पाई जाती है, तो इनके नाम हम क्रमशः देख लेते हैं। भारत में मधुमक्खी की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, तो भारत में मधुमक्खी की जो प्रजातियां पाई जाती है, तो भारतीय मधुमक्खी की हम प्रजाति देखते हैं, तो भारतीय मधुमक्खी तो है एपिस इंडिका। इसके अलावा भारत में मधुमक्खी की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, तो एपिस इंडिका के अलावा भारत में पाई जाती है एपिस डोर्सेटा। एपिस डोर्सेटा के अलावा भारत में पाई जाती है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया के अलावा भारत में एपिस मेलिपोना। और एपिस मेलिपोना के अलावा भारत में जो पाई जाती है वो पाई जाती है एपिस मेलिपेरा। तो इस प्रकार से हमने शुरू से फिर से देख लेते हैं, वैज्ञानिक रूप से जो मधुमक्खी पालन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एपिकल्चर। मधुमक्खी की जो क्लास कौन सी है, तो मधुमक्खी की जो क्लास है वो कौन सी है, इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास में वह जंतु आते हैं जिनमें तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है, अर्थात छह जोड़ी टांगे पाई जाती है। और टांगों की विशेषता ये होती है कि इनमें क्या पाई जाती है, संधियां पाई जाती है। संधियां पाई जाती है मतलब हम कह सकते हैं कि टांगों में क्या पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं। मधुमक्खी का कुल कौन सा, एपिडी है। वंश कौन सा है, एपिस। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। भारत में मधुमक्खियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो भारत में मधुमक्खियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो भारत में मधुमक्खी की कुल पांच प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, पांच। अब पांचों के हम नाम क्रमशः देखेंगे कौन कौन से हैं,
तो पहले पे है एपिस इंडिका जिसे हम भारतीय मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, दूसरी आती है एपिस डोर्सेटा, इसी को हम सारंग मधुमक्खी के नाम से जाने देते हैं, और नेक्स्ट आती है एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिफेरा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पांचों के नाम नोट कर सकते हैं। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। भारत में मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो भारत में मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां पाई जाती है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिफेरा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एपिस इंडिका के बारे में। तो एपिस इंडिका जिसे हम भारतीय मधुमक्खी कहते हैं, इसे हम भारतीय मोना मक्खी कहते हैं, ये संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है और इसका जो आकार होता है वो लगभग 15 mm होता है। तो इसका जो आकार है वो हमसे पीएटी में कोई भी नहीं पूछेगा कि भारतीय मधुमक्खी जो होती है उसका आकार कितना होता है, लेकिन हमको सिर्फ इतना याद रखना है पीएटी के दृष्टिकोण से यदि देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। इसके बारे में हम बात करें, ये अंधेरे में रहना पसंद करती है। जो एपिस इंडिका मधुमक्खी होती है ये कहाँ पर रहना पसंद करती है, अंधेरे में रहना पसंद करती है। और ये कैसे स्वभाव की होती है, तो ये शांत स्वभाव की होती है, मतलब ये ज्यादा भड़काऊ स्वभाव की या ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती है। और इसे कैसे पाला जा सकता है, तो इसे आसानी से पाला जा सकता है, इजिली इसे हम पाल सकते हैं। ये अपने छत्ते जो बनाती है, मतलब अपने जो घर बनाती है मधुमक्खी, छत्ते बनाती है, वो कहाँ पर बनाई जाती है, तो ये जंगलों में बनाती है, पेड़ों के तनों पर बनाती है, घने झाड़ियों में बनाती है, कुओं इत्यादि अंधेरे वाले स्थानों पर ये बनाना पसंद करती है। और इसके एक छत्ते से लगभग कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसके एक छत्ते से 3.5 से 4.5 किलोग्राम हमें शहद प्राप्त होता है। और ये छत्ते से कितनी दूरी तक भ्रमण करती है, तो ये अपने छत्ते से 1 किलोमीटर तक भ्रमण करती है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। भारतीय मधुमक्खी एपिस इंडिका कहाँ पर रहना पसंद करती है, तो ये नॉर्मली आपको सिर्फ ध्यान रखना है, रटना नहीं है। ये कहाँ पर रहना पसंद करती है, ये शांत स्वभाव की होती है, ज्यादा भड़काऊ नहीं होती है, अंधेरे में रहना पसंद करती है। और अपने छत्ते सामान्य तौर पर ये कहाँ पर बनाती है, जंगलों में बनाती है, पेड़ों पर बनाती है, झाड़ियों पर बनाती है, कुआं इत्यादि के किनारे बनाती है। और एपिस इंडिका जो होती है, इसके एक छत्ते से कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा 3.5 से 4.5 किलोग्राम शहद प्राप्त होती है। और अपने छत्ते से कितने किलोमीटर की परिधि में ये भ्रमण करती है, तो ये 0.8 से 1 किलोमीटर तक की परिधि में ये भ्रमण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिस डोर्सेटा की। दूसरी प्रजाति हमारी मधुमक्खी की भारत में कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है एपिस डोर्सेटा, और इसी को हम सारंग मधुमक्खी कहते हैं। अब एपिस इंडिका और एपिस डोर्सेटा में अंतर क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो एपिस इंडिका जो है, इसका स्वभाव है शांत, मतलब ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, आसानी से ये किसी पर भी आक्रमण जबरदस्ती परेशान किसी को नहीं करती। लेकिन एपिस डोर्सेटा जो होती है, इसको हम भड़काऊ स्वभाव की मधुमक्खी कह सकते हैं, और ये शीघ्र उत्तेजित हो जाती है और बहुत ही जल्द क्या कर देती है, व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर देती है। और ये अपने छत्तों को कहाँ पर बनाती है, तो ये अपने छत्तों को चट्टानों पर बनाती है। कहाँ पर बनाती है, चट्टानों पर। एपिस इंडिका में हमने देखा था कि ये अपने छत्ते घने झाड़ियों में, कुओं के किनारे, पेड़ों पर बनाती है, लेकिन एपिस डोर्सेटा ठीक इसके विपरीत होती है, ये अपने छत्तों को चट्टानों पर बनाती है या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर बनाती है। और इसके छत्ते जो होते हैं वो बहुत ही बड़े आकार के होते हैं, और ये मधुमक्खी भी आकार में सबसे बड़ी होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मधुमक्खी आकार में सबसे बड़ी होती है, लगभग 2 mm या 2 cm इसका आकार होता है। और बड़ी होने के कारण ही इसे ज्वाइंट बी या बृहद मधुमक्खी कहते हैं। बड़ी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट बी या बृहद मधुमक्खी। इसका स्वभाव मैं बता चुका हूँ, इसका स्वभाव कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण होता है, ये शीघ्र ही क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। और इसका पालन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है इसका पालन, क्योंकि इसका स्वभाव ही हमें बता रहा है कि यदि इसका पालन करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है, हमलावर हो जाती है। इसके एक छत्ते से शहद की मात्रा याद रखिएगा आप, कितनी शहद हमें प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा 15 से 40 किलोग्राम तक इसके एक छत्ते से हमें शहद प्राप्त होती है। ये अपना छत्ता पेड़ों की शाखाओं पर, ऊंची चट्टानों पर बनाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं हम रॉक बी। क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम रॉक बी कहते हैं। रॉक मतलब होता है चट्टान, और बी मतलब होता है मधुमक्खी, चट्टानी मधुमक्खी।
सारंग मधुमक्खी प्रवसनी स्वभाव की होती है। प्रवसनी स्वभाव का अर्थ ये होता है कि एक बार ये अपना कहीं छत्ता बना लेती है तो फिर ये छत्ता छोड़कर, जब इसका अलग मौसम आ जाता है तो छत्ता छोड़कर अपना जो स्थान है वो क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। इसी प्रकार के स्वभाव को हम कौन सा स्वभाव कहेंगे, प्रवसनी स्वभाव कहेंगे। यह गर्मियों में चट्टानों पर तथा सर्दियों में कहाँ पर आ जाती है, मैदानों पर आ जाती है। तो फिर से हम देख लेते हैं, हमने मधुमक्खियों की कुल 5 प्रजातियां देखी। 5 प्रजातियों में से हम 2 प्रजाति के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पहली हमारी मधुमक्खी थी वो कौन सी थी, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को ही हम भारतीय मधुमक्खी कहते हैं। ये कैसे स्वभाव की होती है, बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है। इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं। ये सामान्यतः जंगलों में पेड़ों के तनों पर, झाड़ियों पर इत्यादि पर इसका छत्ता बनाती है। और इसके एक छत्ते से कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होती है, तो आपको बताया 3.5 से 4.5 किलोग्राम शहद प्राप्त होती है। तो एपिस इंडिका के बारे में फिर से पॉइंट देखते हैं। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। इसका स्वभाव कैसे होता है, बिल्कुल शांत होता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पाल सकते हैं। और इसके एक छत्ते से कितने शहद प्राप्त होती है, 3.5 से 4.5 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारी जो मधुमक्खी आती है वो एपिस डोर्सेटा आती है। एपिस डोर्सेटा जो होती है वो आकार में सबसे बड़ी होती है। आपसे पूछ ले के बृहद मधुमक्खी, जॉइंट बी या सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी कौन सी होती है, तो सारंग मधुमक्खी होती है। और सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या, एपिस डोर्सेटा। ये आसानी से क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है, इसलिए हम इसे पाल नहीं सकते। और इसके एक छत्ते से कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होता है, तो इसके एक छत्ते से 15 से 40 किलोग्राम का शहद प्राप्त होता है। ये ऊंची चट्टानों पर अपना घर बनाती है या अपना छत्ता बनाती है, इसलिए इसे रॉक भी कहते हैं। और ये प्रवसनी स्वभाव की होती है, अर्थात एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर ये चली जाती है। नेक्स्ट हमारी जो मधुमक्खी आती है उसको हम कहते हैं एपिस फ्लोरिया। क्या कहते हैं उसको, एपिस फ्लोरिया। अभी तक हमने 2 मधुमक्खियों के ऊपर डिस्कस की, एक तो एपिस इंडिका के ऊपर की, एक एपिस डोर्सेटा के ऊपर की। अब हम बात करेंगे एपिस फ्लोरिया। तो आपसे पूछ ले सबसे बड़ी आकार की मधुमक्खी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी आकार की मधुमक्खी कौन सी होती है, एपिस डोर्सेटा। और आपसे पूछ ले सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी कौन सी होती है, तो सबसे छोटे आकार की जो मधुमक्खी होती है वो होती है एपिस फ्लोरिया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो एपिस फ्लोरिया को इसीलिए हम भ्रंग मधुमक्खी कहते हैं। भ्रंग मतलब इसका सबसे छोटा आकार होता है, और इसे भारतीय मोना से भी छोटी होती है। हम बोल सकते हैं कि ये सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। कैसी मधुमक्खी होती है, ये सबसे छोटी। तो फिर से देख लेते हैं, एपिस डोर्सेटा तो आकार में सबसे बड़ी होती है, और एपिस फ्लोरिया जो होती है वो आकार में सबसे छोटी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इसके छत्ते का आकार। मधुमक्खी छोटी है तो सिंपल सी बात है, इसके छत्ते का आकार भी कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। और छत्ते का आकार यदि छोटा होगा तो इससे शहद की जो मात्रा हमें प्राप्त होगी वो भी कैसी प्राप्त होगी, बहुत ही कम मात्रा प्राप्त होगी, लगभग 200 से 250 ग्राम। कितनी मात्रा में शहद हमें प्राप्त होगी, लगभग 200 से 250 ग्राम। ये अपना छत्ता कहाँ पर बनाती है, तो खुले स्थानों पर बनाती है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि इसका शहद जो होता है वो सबसे मीठा होता है। इसका शहद जो होता है वो कैसा होता है, सबसे मीठा। तो फिर से एक बार हम तीनों मधुमक्खियों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी मधुमक्खी आती है एपिस इंडिका। इसके ऊपर प्रश्न कैसा बनेगा, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। ये कैसे स्वभाव की होती है, बिल्कुल शांत स्वभाव की हो सकती है, इसलिए इसे पाल सकते हैं। ये इसका घर कहाँ पर, छत्ता कहाँ पर बनाती है, तो ये पेड़ों के तनों, घने झाड़ियों, कुएं में अपना छत्ता बनाती है। और कितने किलोग्राम इससे छेद हमें प्राप्त होता है, तो 3.5 से 4 किलोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो मधुमक्खी आती है एपिस डोर्सेटा, इसके ऊपर किस प्रकार से प्रश्न बनता है, तो इसमें पूछा जाएगा कि जॉइंट बी या बृहद मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस डोर्सेटा। कौन सी मधुमक्खी आकार में सबसे बड़ी होती है, तो कौन सी आकार में सबसे बड़ी होती है, एपिस डोर्सेटा। और आकार में बड़ी होती है इसलिए इसका स्वभाव कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण होता है, शीघ्र ही क्या कर देती है, ये आक्रमण कर देती है, इसलिए इसका हम इसका पालन नहीं कर सकते। और इससे शहद हमें बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, लगभग एक छत्ते से 15 से 40 किलोग्राम तक हमें शहद प्राप्त होती है। और ये अपना छत्ता कहाँ पर बनाती है, तो ऊंची चट्टानों पर बनाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रॉक भी कहते हैं। रॉक मतलब होता है चट्टान, और बी मतलब होता है मधुमक्खी। और इसका स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है, प्रवसनी स्वभाव होता है। अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकती है, छोड़कर जा सकती है, तो ये प्रवसनी स्वभाव की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिस फ्लोरिया। इस पर अब किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, कौन सी मधुमक्खी का शहद सबसे मीठा होता है, तो कौन सी मधुमक्खी का शहद सबसे मीठा होता है, तो एपिस फ्लोरिया का शहद जो होता है
वो सबसे मीठा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आकार में सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी, तो एपिस फ्लोरिया है, और एपिस फ्लोरिया से हमें कितना शहद प्राप्त होता है, तो आप याद रखिएगा लगभग 200 से 250 ग्राम। चौथी हमारी जो मधुमक्खी की प्रजाति है वो है एपिस मेलिपोना। कौन सी मधुमक्खी? एपिस मेलिपोना। इसके बारे में देखते हैं, इस मधुमक्खी को हम डंपर मधुमक्खी कहते हैं। कौन सी मधुमक्खी कहते हैं? डंपर मधुमक्खी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सबके नाम। एपिस इंडिका को हम भारतीय मधुमक्खी कहते हैं, एपिस डोर्सेटा को हम सारंग मधुमक्खी कहते हैं, एपिस फ्लोरिया को हम भ्रंग मधुमक्खी कहते हैं, और एपिस मेलिपोना को कौन सी मधुमक्खी कहते हैं? डंपर मधुमक्खी कहते हैं। ये स्वभाव में एपिस इंडिका के समान होती है, मतलब शांत स्वभाव की होती है। और इसका स्वभाव कैसा होता है, तो याद रखना इसका स्वभाव शांत के साथ में डरपोक होता है। कैसा स्वभाव होता है? डरपोक। और सिंपल सी बात है, इसका स्वभाव डरपोक होता है, इसलिए इसको आसानी से हम पाल सकते हैं। इसमें डंक नहीं पाया जाता, ये एक और अच्छा पॉइंट है कि इसमें डंक नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसे पाल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें डंक नहीं होगा, और डंक नहीं होगा तो ये डंक नहीं मारेगी, और हमें कोई इसे पालने में, इसके पालन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसकी एक, जहां पर इसके अच्छे गुण है वहीं पे एक इसकी बुरी बात यह है कि इससे शहद जो हमें प्राप्त होता है वो कम प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं बोल सकते हैं, मतलब इससे हमें ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो ये एपिस मेलिपोना की बात हो गई, तो एपिस मेलिपोना के बारे में आप ज्यादा पॉइंट याद मत रखिए, सिर्फ दो चार पॉइंट याद रख लीजिए। एक तो इसको हम क्या कहते हैं? डंपर मधुमक्खी कहते हैं। दूसरा, इसका स्वभाव कैसा होता है? डरपोक स्वभाव का होता है, और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? डंक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हमारी पांचवी जो प्रजाति होती है वो होती है एपिस मेलिफेरा। कौन सी प्रजाति? एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो मधुमक्खी की प्रजाति है, इसको हम यूरोपियन मधुमक्खी कहते हैं। कौन सी मधुमक्खी कहते हैं? यूरोपियन। इसका शहद जो होता है एपिस मेलिफेरा का, और शहद जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला होता है, और इससे एक वर्ष में लगभग कितना शहद प्राप्त किया जा सकता है, तो 50 से 180 किलोग्राम तक हम इससे एक वर्ष में शहद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि जंगली अवस्था में होती है तो 30 से 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उठ गया है कि भारत में अधिकतर पालन कौन सी मधुमक्खी का किया जाता है, तो वो कौन सी का किया जाता है? एपिस मेलिफेरा का किया जाता है, और ये अपने छत्ते से 2 से 3 किलोमीटर की परिधि में क्या करती है? भ्रमण करती है। तो मधुमक्खी के बारे में फिर से देखते हैं हम। वैज्ञानिक रूप से जो मधुमक्खी पालन होता है, तो वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपिकल्चर। मधुमक्खी का संघ है आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी है? इंसेक्ट का। इसके बाद में ऊपर जो टेरिगोटा गण हाइमेनोप्टेरा। कुल कौन सा? एपिडी। वंश कौन सा है? एपिस। मधुमक्खी की भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो मधुमक्खी की भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5 प्रजातियां पाई जाती है। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या? एपिस इंडिका। रॉक बी, जॉइंट बी, ग्रहज मधुमक्खी या सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस डोर्सेटा। भ्रंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या? एपिस फ्लोरिया। और यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस मेलिफेरा। अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि शीघ्र आक्रमक कौन सी मधुमक्खी हो जाती है, सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी कौन सी है, तो वो कौन सी? एपिस डोर्सेटा। हमसे पूछ ले सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी कौन सी है, तो एपिस फ्लोरिया। हमसे पूछ ले कि किस मधुमक्खी का शहद सबसे मीठा होता है, तो याद रखिएगा एपिस फ्लोरिया का शहद सबसे मीठा होता है। और भारत में कौन सी मधुमक्खी का पालन अधिकतर किया जाता है, तो याद रखना एपिस मेलिफेरा का पालन अधिकतर किया जाता है। तो फिर से हम देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न आपको, प्रश्न क्लियर करना है आपको, पूरी थ्योरी इतनी डिटेल में ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ समझना है, हमारे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो क्वेश्चन भी इस प्रकार से बनेंगे। भारतीय मोना मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, तो भारतीय मोना मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस इंडिका। कौन सी मधुमक्खी आकार में सबसे बड़ी होती है, तो कौन सी मधुमक्खी आकार में सबसे बड़ी होती है? तो एपिस डोर्सेटा, और इसी को हम जॉइंट बी या बृहद मधुमक्खी कहते हैं। कौन सी मधुमक्खी आकार में सबसे छोटी होती है, तो आकार में सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी है? एपिस फ्लोरिया। किस मधुमक्खी का शहद सबसे मीठा होता है, तो सबसे मीठा शहद किसका होता है? तो एपिस फ्लोरिया का होता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में कौन सी मधुमक्खी का पालन अधिकतर किया जाता है, तो वो किया जाता है एपिस मेलिफेरा का। किसका कहलाता है? एपिस मेलिफेरा का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
मधुमक्खी को शहद की प्राप्ति के लिए व्यवसायिक रूप से पालना, मधुमक्खी को शहद की प्राप्ति के लिए व्यवसायिक रूप से पालना क्या कहलाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था मधुमक्खी को व्यवसायिक रूप से पालना एपिकल्चर बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक ढंग से पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का व्यवसायिक रूप से पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर कहलाता है। और इसी एपिकल्चर को हम क्या कहते हैं? बी कीपिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट, मधुमक्खी कैसा प्राणी है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खी कैसा प्राणी है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी कैसा प्राणी है? तो मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीएटी में आया हुआ प्रश्न है कि मधुमक्खी कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या होता है? सामाजिक प्राणी का मतलब ये होता है कि जो मधुमक्खी की फैमिली होती है इसमें कार्य विभाजन होता है अलग अलग मधुमक्खियों के बीच। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो सभी मधुमक्खियों की रानी होती है। फिर इस मधुमक्खी की सेना होती है जो सैनिक कहलाते हैं। कुछ मधुमक्खी जो होती है वो श्रमिक होती है, मतलब वो कार्य करती है छत्ते बनाने का। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का प्राणी है? तो मधुमक्खी सामाजिक प्राणी होता है। और इसके एक परिवार में जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो याद रखना कि इसकी संख्या 30 से 50 हजार तक होती है। और इनके एक परिवार में कौन कौन होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो रानी मधुमक्खी होती है। एक कौन होती है इनके परिवार में? रानी मधुमक्खी, जो आकार में सबसे बड़ी होती है और जिसका कार्य सिर्फ क्या होता है? अंडे देना होता है। 200 से 300 इनके परिवार में जो होते हैं वो नर होते हैं, जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं। तथा शेष मधुमक्खियां जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खी होती है। कौन सी मधुमक्खी होती है? श्रमिक मधुमक्खी। तो फिर से देखते हैं मधुमक्खी किस प्रकार का प्राणी है। तो मधुमक्खी हम बोल सकते हैं सामाजिक प्राणी है, जिनके एक परिवार में 30 से 50 हजार सदस्य होते हैं, जिनमें एक तो रानी मधुमक्खी होती है। याद रखना मधुमक्खी की एक फैमिली में रानी मधुमक्खी कितनी होती है? तो याद रखना एक ही रानी होती है। 200 से 300 क्या होते हैं? नर होते हैं, ड्रोन होते हैं। तथा शेष मधुमक्खी जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खी होती है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो रानी मधुमक्खी होती है वो उर्वर होती है। उर्वर होती है अर्थात अंडे देने का काम करती है, जबकि जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो अनुर्वर होती है या बंद होती है, अर्थात हम कह सकते हैं बांझ होती है, जो कि अंडे नहीं देती है। अब हम रानी के बारे में जानेंगे। तो मधुमक्खी के परिवार में हमने देखा कि एक रानी मधुमक्खी होती है। तो हम बोल सकते हैं एक छत्ते में कितनी रानी होती है? तो आप याद रखना एक छत्ते में केवल एक ही रानी होती है। एक छत्ते में कितनी रानी होती है? केवल एक ही रानी होती है। जो आकार में सबसे बड़ी होती है, आकार में कैसी होती है? तो याद रखना रानी मधुमक्खी जो होती है वो आकार में कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है। तो फिर से देखते हैं मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, जिसमें कौन होती है? एक रानी होती है। और ये रानी जो होती है वो आकार में कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है। ये छत्ते में एकमात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एकमात्र कैसी मादा होती है? जनन योग्य मादा मक्खी होती है। मतलब अंडे देने का जो कार्य करती है वो कौन सी मधुमक्खी करती है? रानी मधुमक्खी करती है। तो फिर से देखते हैं मधुमक्खी का एक छत्ता जो होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी जो होती है वो एक छत्ते में एक ही होती है और ये आकार में सबसे बड़ी होती है। और ये एकमात्र जनन योग्य मादा होती है, मतलब अंडे देने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? रानी मधुमक्खी का ही होता है। इसका अंडाशय जो होता है वो अत्यधिक विकसित होता है। और रानी का कार्य क्या होता है? तो रानी का कार्य आप याद रखना केवल अंडे देना। आपसे पूछ ले रानी मधुमक्खी का कार्य होता है, तो रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है? केवल अंडे देना। रानी मधुमक्खी ना तो शहद का निर्माण करती है, ना ही छत्ते का निर्माण करती है। रानी मधुमक्खी का कार्य होता है केवल अंडे देना। तो एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी जो होती है वो आकार में अन्य मधुमक्खी में सबसे बड़ी होती है। और ये एकमात्र जनन योग्य मादा मक्खी होती है, अर्थात ये ही सिर्फ अंडे दे सकती है और कोई सी मधुमक्खी अंडे नहीं दे सकती है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना जो रानी मधुमक्खी होती है इसका जीवन काल होता है 2 से 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 2 से 5 वर्ष। और रानी मधुमक्खी जो होती है वो कितने प्रकार के अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो 2 प्रकार के अंडे देती है। एक तो वो निषेचित अंडे देती है और एक अनिषेचित अंडे देती है। तो हम बोल सकते हैं 2 टाइप्स की एक रानी मधुमक्खी देती है, एक तो फर्टिलाइज और एक अनफर्टिलाइज। निषेचित अंडों से श्रमिक मक्खी एवं रानी मक्खी, जबकि निषेचित अंडों से सदैव क्या उत्पन्न होते हैं? तो सदैव नर उत्पन्न होते हैं। तो आप याद रखना निषेचित अंडों से तो 2 प्रकार की मधुमक्खी बनती है, एक तो श्रमिक मक्खी बनती है, सोल्जर बनते हैं, और एक कौन सी बनती है? रानी मक्खी। जबकि जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे क्या बनते हैं? सिर्फ नर बनते हैं।
अर्थात मधुमक्खी के नर जो होते हैं वो अनिषेचित अंडों से बनते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। मधुमक्खी के जो नर होते हैं वो कौन से जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं? अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रानी मधुमक्खी जो होती है वो प्रतिदिन कितने अंडे देती है? तो आप याद रखना, रानी प्रतिदिन 2000 तक अंडे देती है। रानी कितने अंडे देती है? प्रतिदिन 2000 तक अंडे देती है। तथा जिस समय ये कमजोर होकर अंडे देना बंद कर देती है, श्रमिक इसे क्या कर देते हैं? मार डालते हैं। तो फिर से देखते हैं, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, 200 से 300 नर होते हैं, तथा शेष जो होती है वो कौन सी मक्खी होती है? श्रमिक मक्खी होती है। रानी मधुमक्खी जो होती है, एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है और ये एकमात्र जनन योग्य मादा होती है। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडे देना। रानी मधुमक्खी कितने प्रकार के अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो दो प्रकार के अंडे देती है, एक तो निषेचित अंडे और एक अनिषेचित अंडे। निषेचित अंडों से एक तो रानी मक्खी का निर्माण होता है, दूसरा श्रमिक मक्खियों का निर्माण होता है, जबकि अनिषेचित अंडों से सदैव कौन से क्या उत्पन्न होते हैं? तो नर उत्पन्न होते हैं। और मधुमक्खी के नर जो उत्पन्न होते हैं वो अनिषेचित अंडों से होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नर जो होते हैं वो अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। और रानी मधुमक्खी प्रतिदिन कितने अंडे देती है? तो आप याद रखना, रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है। रानी मधुमक्खी कितने अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो प्रतिदिन कितने अंडे देती है? तो आप याद रखिएगा, रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिस समय रानी मधुमक्खी कमजोर हो जाती है तो इसके श्रमिक ही इसे क्या करते हैं? मार डालते हैं। रानी मधुमक्खी का मृत्यु का कारण कोई और नहीं बनता, उसके श्रमिक ही मरते हैं। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडे देना। और जब वो अंडे देना बंद कर देती है, अर्थात वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसके श्रमिक ही उसको क्या करते हैं? मार डालते हैं। और रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है, और अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देती है? तो याद रखना, रानी मधुमक्खी अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। रानी मधुमक्खी अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। रानी में जो डंक होता है वो अविकसित होता है, मतलब डंक होता तो है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो फिर से देखते हैं, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, इसके एक छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडे देना होता है। ये कितने प्रकार के अंडे देती है? दो प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित अंडों से तो श्रमिक और रानी बनती है, जबकि अनिषेचित अंडों से क्या बनते हैं? नर बनते हैं। और इसके हम कह सकते हैं, नर जो होते हैं मधुमक्खी में कौन से जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं? अनिषेक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। रानी मधुमक्खी कितने अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है, और संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देती है? 15 लाख अंडे देती है। और जब रानी मधुमक्खी अंडे देना बंद कर देती है तो इसके श्रमिक इसे क्या करते हैं? मार डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रानी मक्खी को एक विशेष प्रकार का भोजन कराया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रॉयल जेली। यह रॉयल जेली जो खाने को मिलती है वो सिर्फ रानी मधुमक्खी को ही मिलती है और किसी मधुमक्खी को नहीं मिलती है। विशेष श्रमिक या नर्स भी जो होती है वो विशेष रूप से तैयार करती है। किसके लिए तैयार करती है? विशेष रूप से रानी मधुमक्खी के लिए तैयार करती है। और रानी मधुमक्खी जो पैदा होती है वो कौन से अंडों से पैदा होती है? तो याद रखना, निषेचित अंडों से पैदा होती है। अनिषेचित अंडों से सिर्फ नर पैदा होते हैं, और ये निषेचित अंडों से पैदा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी होती है? तो ये डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड होती है मतलब द्विगुणित होती है। एन और एन मिलकर कितने एन बनते हैं? 2N। और रानी मधुमक्खी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितने होती है? 2N बराबर 32 होती है। रानी नर से मैथुन के दौरान 2 करोड़ शुक्राणु प्राप्त करती है। जब रानी नर से मैथुन करती है, हवा में ही मैथुन करती है, और मैथुन के दौरान नर से कितने शुक्राणु प्राप्त करती है? तो याद रखना, 2 करोड़ शुक्राणु प्राप्त करती है, जिन्हें स्पर्मेथिका या शुक्रधानी नामक पाउच में 2 से 3 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है। तो याद रखना, रानी मधुमक्खी जो होती है अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार मैथुन करती है, और एक बार मैथुन करने में 2 करोड़ तक शुक्राणु नर से प्राप्त करती है, जिसे एक विशेष प्रकार का इसका अंग होता है जिसे शुक्रधानी या स्पर्मेथा करते हैं, उस पाउच में 2 से 3 वर्षों तक क्या करती है? सुरक्षित रखती है। रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितनी बार मैथुन करती है? तो रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में एक बार मैथुन उड़ान भरती है, जिसे हम मैथुन उड़ान या नपचल प्राइड कहते हैं। रानी के साथ मैथुन के पश्चात नर की जो होती है वो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। निषेचित अंडों से श्रमिक और रानी मधुमक्खी बनते हैं, और रॉयल जेली जिसको मिल जाती है वो ही रानी मधुमक्खी बन जाती है, और जिसको रॉयल जेली नहीं मिलती है वो क्या बन जाते हैं? तो वो श्रमिक
बन जाते हैं। हमने देखा था निषेची दंडों से दो प्रकार की मधुमक्खी बनती है, एक तो रानी मधुमक्खी और एक बनती है सैनिक मक्खी। तो जिसको भोजन में रॉयल जेली मिल जाएगी वो तो रानी बन जाएंगे, और जिसको रॉयल जेली खाने को नहीं मिलेगी वो कौन बन जाएंगे? श्रमिक बन जाएंगे। तो एक बार फिर से हम रानी मक्खी को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो मधुमक्खी जो होती है किस प्रकार की प्राणी होती है? तो मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी होती है, जिसके एक छत्ते में या एक परिवार में एक रानी मक्खी होती है, 200 से 300 नर होते हैं, और शेष जो होते हैं वो कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं। एक छत्ते में एक रानी होती है, रानी जो होती है वो आकार में सबसे बड़ी होती है, और ये एकमात्र जनन योग्य मादा होती है, अर्थात ये सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी कितने प्रकार के अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित अंडों से श्रमिक एवं रानी बनते हैं, जबकि अनिषेचित अंडों से कौन बनते हैं? नर बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नर जो होते हैं वो अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है, और अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देती है? 1,500,000 अंडे देती है। और जब रानी मक्खी अंडे देना बंद कर देती है तो इसकी श्रमिक इसे क्या करते हैं? मार डालते हैं। रानी मधुमक्खी को विशेष प्रकार का भोजन कराया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रॉयल जेली कहते हैं। और रॉयल जेली किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो रॉयल जेली का जो निर्माण किया जाता है वो श्रमिक के द्वारा किया जाता है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडों से पैदा होती है, द्विगुणित होती है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n = 32। अपने जीवन काल में रानी मक्खी जो होती है वो एक बार मैथुनी उड़ान भरती है, और इसके बाद में जो नर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और रानी जो होती है वो 2 से 3 वर्षों तक क्या देती है? अंडे देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉयल जेली जो भोजन कराया जाता है रानी मक्खी को, वो नर्स बी या सैनिक मक्खी के द्वारा निर्मित की जाती है, और ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ है? तो याद रखना, सैनिक मक्खी जो होती है उसकी लाल ग्रंथि से स्रावित पदार्थ है, और क्या है? रॉयल जेली। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, लगभग कितने प्रतिशत? 15 से 18%। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब अंडे फूट जाते हैं तो स्फुटन के 7 दिन पश्चात श्रमिक की मैक्सिलरी ग्रंथियों से शाही जेली का स्त्राव होने लगता है। रानी का भोजन जो होता है वो रॉयल जेली या शाही जेली होता है, जो उच्च प्रोटीन युक्त होता है, जबकि श्रमिक का जो भोजन होता है वो पोलन ब्रेड होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है। तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देने का कार्य करती है, इसलिए उसको भोजन में रॉयल जेली दी जाती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और श्रमिक जो होते हैं वो क्या खाते हैं? पोलन ब्रेड खाते हैं, जो फूलों से प्राप्त होता है, और इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मधुमक्खी छत्ते के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य करती है। बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि प्राकृतिक रूप से ऐसी काय में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से जो ऐसी पाया जाता है वो मधुमक्खी के छत्ते में पाया जाता है। मधुमक्खी का छत्ता इस प्रकार से निर्मित होता है कि सर्दी में तो गर्म रहता है और गर्मी में कैसा रहता है? ठंडा रहता है। तो हम बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? एयर कंडीशन पाया जाता है। तो मधुमक्खियां छत्ते के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य करती है, और छत्ते का तापक्रम जो होता है वो कितना रहता है मधुमक्खी के? तो आप याद रखिएगा, सामान्यतः 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? सामान्यतः 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मधुमक्खियां अपने छत्ते के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य करती है, और इनके छत्ते का सामान्य तापक्रम जो होता है वो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इनके निवास में वातानुकूलन अर्थात प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? एसी पाया जाता है। पता है ये छत्ते गर्मी में ठंडा और सर्दी में कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। तो फिर से हम रानी मधुमक्खी की बात कर लेते हैं। मधुमक्खी के एक परिवार में रानी कितनी होती है? एक होती है। रानी मधुमक्खी जो होती है वो आकार में अन्य मधुमक्खी से बड़ी होती है, एकमात्र जननयोग की मादा होती है, अर्थात ये केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी कितने प्रकार के अंडे देती है? रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित अंडों से रानी मक्खी और श्रमिक का निर्माण होता है, जबकि अनिषेचित अंडों से हमेशा नर उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं मधुमक्खी में नर जो होते हैं वो अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन कितने अंडे देती है? रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है, और संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देती है? तो संपूर्ण जीवन काल में 1,500,000 तक अंडे देती है। रानी मधुमक्खी विशेष प्रकार का भोजन करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रॉयल जेली कहते हैं। जिसका निर्माण कौन करती है? तो जिसका निर्माण नर्स बी या श्रमिक मक्खी करती है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडों से पैदा होती है, इसलिए ये द्विगुणित या डुप्लाइड होती है, और रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n = 32। इसके पहले हमने गुणसूत्रों की संख्या देखी थी, गाय में कितनी होती है? तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 60 होती है, भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 48 और 50 होती है,
बकरी में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 60 होती है और रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2n बराबर 32। रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में एक बार मैथुन उड़ान भरती है और मैथुन उड़ान के बाद में नर की मृत्यु हो जाती है। रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है और संपूर्ण जीवन काल में 15 लाख अंडे देती है। और जब रानी मधुमक्खी अंडे देना बंद कर देती है तो उसकी जो सैनिक मक्खियां होती है वो रानी को क्या कर देती है, मार देती है। रानी मधुमक्खी को विशेष प्रकार का भोजन मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, रॉयल जेली कहते हैं। और इसके ऊपर पीएटी में प्रश्न आया हुआ है कि रॉयल जेली का निर्माण कौन करता है, तो नर्स भी करती है या सैनिक मधुमक्खी कहती है। और रॉयल जेली क्या है, तो सैनिक मधुमक्खी के हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि या लाल ग्रंथि से स्रावित पदार्थ है जिसमें काई की मात्रा अधिक पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, लगभग 15 से 18% प्रोटीन। और जो सैनिक मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, पोलन ब्रेड खाती है जिनमें क्या अधिक पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, तो वातानुकूलन या एयर कंडीशन पाया जाता है, अर्थात इसके छत्ते गर्मी में तो ठंडा रहते हैं और सर्दी में गर्म। और सामान्य इसके छत्ते का तापक्रम कितना होता है, 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने बात करी रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी के बारे में हमने ये जाना कि इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, केवल अंडे देना। ना तो ये शहद का उत्पादन करती है, ना ये छत्ते का निर्माण करती है, कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ इसका काम एक ही होता है, क्या करना होता है, अंडे देना। अब हम बात करते हैं नर मधुमक्खी की। नर मधुमक्खी जो होती है वो काई से उत्पन्न होती है। तो आपको पता है कि मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। निषेचित अंडों से तो रानी मधुमक्खी और सैनिक मक्खी उत्पन्न होती है, जबकि नर मधुमक्खी जो होती है वो कौन से अंडों से उत्पन्न होती है, तो आपको पता है अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं मधुमक्खी जो होती है इसमें जो नर उत्पन्न होते हैं वो अनिषेक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब इसमें निषेचित निषेचन नहीं होता है तो जो नर मधुमक्खी होती है अगुणित रह जाती है, हैप्लॉइड रह जाती है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर नहीं आएगी, सिर्फ n बराबर आएगी। और n बराबर कितने होते हैं, 16 होते हैं, और 2n बराबर 32। नेक्स्ट हम ये छत्ते से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करते हैं नर। नर का केवल एक ही कार्य होता है और वो कार्य क्या होता है, रानी के साथ में मैथुन करना। और मैथुन के पश्चात मधुमक्खी के नर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और भोजन के लिए जो नर होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो भोजन के लिए नर निर्भर होते हैं, किसके ऊपर निर्भर होते हैं, रानी मक्खी के ऊपर निर्भर होते हैं। और इनमें लार व मोम ग्रंथियां जो होती है नर में वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो हम बोल सकते हैं मधुमक्खी के नरों में लार, मोम ग्रंथियां और डंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो फिर से बात करते हैं, रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है अंडे देना, और जो नर मधुमक्खी होती है इनका मुख्य कार्य क्या होता है, मैथुन करना। नर मधुमक्खी अनिषेक जनन के द्वारा उत्पन्न होती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या n बराबर 16 होती है, और इनमें लार, मोम ग्रंथि और डंक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं श्रमिक मक्खी की, जो कि बंध मादा होती है। बंध मादा का मतलब ये होता है कि ये अंडे उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो श्रमिक मक्खी की हम बात करें तो मधुमक्खी के छत्ते में एक तो रानी मक्खी होती है, 200 से 300 नर होते हैं, और शेष जो होती है वो श्रमिक मक्खियां होती है। हम बोल सकते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है इसमें सर्वाधिक संख्या जो होती है वो कौन की होती है, तो आप बोल सकते हो सर्वाधिक संख्या जो होती है वो श्रमिक की होती है। श्रमिक मक्खियां काई से निर्मित होती है, तो ये भी निषेचित अंडों से निर्मित होती है, लेकिन ये कैसी होती है, बंद होती है, बंद होती है मतलब ये अंडे नहीं दे सकती। ये द्विगुणित होती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 32। इन्हें रॉयल जेली कम खाने को मिलती है, पोलन ब्रेड खाती है, क्योंकि अंडे देने का कार्य नहीं करती, जिस कारण ये कैसी रह जाती है, बांझ रह जाती है, मतलब ये अंडे नहीं दे पाती है। और कुछ विशेष उपांग इनमें पाए जाते हैं, जैसे उदर में डंग पाया जाता है, मोम ग्रंथियां पाई जाती है, फूलों से मधुमक्खी जो रस चूसती है उसको मकरंद कहते हैं, तो इनमें मकरंद चूसने के लिए भी अंग पाए जाते हैं। और पराग संचय करने के लिए मधुमक्खी का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, पौधों में परागण करना, तो पराग संचय करने के लिए भी इनकी पिछली टांगों में रूपांतरण पाया जाता है। और समूह मधुमक्खी का जो जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, तो लगभग 6 सप्ताह, कितना होता है, लगभग 6 सप्ताह। तो फिर से हम देख लेते हैं तीनों मधुमक्खी के बारे में। तो मधुमक्खी का जो एक परिवार होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, 200 से 300 नर होते हैं और शेष श्रमिक मधुमक्खियां होती है। रानी मधुमक्खी की एक छत्ते में कितनी संख्या होती है, तो रानी मधुमक्खी एक छत्ते में एक ही होती है। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है, अंडे देना होता है।
रानी मधुमक्खी कितने प्रकार के अंडे देती है? रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित अंडों से श्रमिक व रानी का निर्माण होता है, जबकि अनिषेचित अंडों से नर का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नर होते हैं वो अनिषेक जनन से उत्पन्न होते हैं। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन कितने अंडे देती है? तो प्रतिदिन 2000 अंडे देती है और अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। रानी मधुमक्खी का जो भोजन होता है वो क्या होता है? रॉयल जेली होता है। और रॉयल जेली को कौन बनाती है? तो नर्स भी या श्रमिक मक्खी बनाती है। और श्रमिक मक्खी की लार ग्रंथि या हाइपोफेरिंजियल ग्रंथि का यह स्तवन होता है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है अर्थात द्विगुणित होती है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n = 32। रानी मधुमक्खी अपने संपूर्ण जीवन में एक बार मिथुन उड़ान भरती है और मिथुन के पश्चात नर की मृत्यु हो जाती है और रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है। इसके बाद में हम नर मधुमक्खी की बात करें तो नर मधुमक्खी अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होता है, अनिषेक जनन से उत्पन्न होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 2n = n = 16, क्योंकि अगुणित होती है। इनमें लार्व मोम ग्रंथि व डंक अनुपस्थित होते हैं, अर्थात नर का कोई कार्य नहीं है मिथुन के अलावा। जो मुख्य कार्य आता है वो किसका आता है? श्रमिक मधुमक्खी का होता है। और श्रमिक मधुमक्खी की संख्या ही छत्ते में सर्वाधिक होती है। ये भी निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है। इनमें गुणसूत्र संख्या रानी के समान 2n = 32 होती है, लेकिन इन्हें रॉयल जेली कम खाने को मिलती है, इसलिए बांझ रह जाती है अर्थात अंडे देने का काम नहीं करती है। लेकिन शहद जो मुख्य रूप से उत्पाद है वो किसका है? तो श्रमिक मक्खी का उत्पाद है। शहद किसका उत्पाद है? श्रमिक मक्खी का। इनमें डंक पाया जाता है, मोम ग्रंथियां पाई जाती है और मकरंद मतलब फूलों का रस चूसने के लिए उपांग पाए जाते हैं और परागकणों को एकत्रित करने के लिए भी पिछले टांगों में रूपांतरण पाए जाते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है? 6 सप्ताह होता है। अब हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं और कौन कौन से श्रेणियों में बांटा है। तो मधुमक्खी में जो मक्खी छत्ता बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बिल्डर बी। तो बिल्डर बी क्या करती है? नया छत्ता बनाती है। श्रमिकों को भी 4 भागों में बांटा है। तो पहली तो होती है बिल्डर बी, जो क्या करती है? छत्ता बनाती है। दूसरी होती है रिपेयर बी, जो क्या करती है? छत्ते की मरम्मत करती है। फिर तीसरी होती है नर्स बी, जो क्या करती है? शिशुओं की देखभाल करती है, रानी को क्या बोलते हैं? रॉयल जेली खिलाती है। और लास्ट में आते हैं गार्ड बी, जो क्या करती है? शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से श्रमिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मधुमक्खी में श्रमिक 4 प्रकार के होते हैं, बिल्डर बी, रिपेयर बी, नर्स बी, गार्ड बी। बिल्डर बी छत्ता बनाती है, रिपेयर बी छत्ते की मरम्मत करती है, नर्स बी शिशुओं की देखभाल करती है और गार्ड बी जो होती है वो छत्ते की शत्रुओं से रक्षा करती है। तो हम आज का सेशन अभी खत्म करेंगे, लेकिन एक बार शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक आज के सेशन का हम रिवाइज कर लेते हैं। तो व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर कहलाता है, हम बोल सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी की क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा होती है। क्लास इंसेक्टा की विशेषताएं क्या है? तो क्लास इंसेक्टा की विशेषता है 3 जोड़ी संधियुक्त टांगे, मतलब इनमें 3 जोड़ी 6 टांगे पाई जाती है और उनमें क्या पाए जाते हैं? जोड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो काय का बना होता है? काइटिन का बना होता है। भारत में मधुमक्खियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? भारत में मधुमक्खियों की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती है। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस इंडिका। सबसे बड़ी आकार में मधुमक्खी कौन सी? एपिस डोर्सेटा। सबसे छोटे आकार में मधुमक्खी कौन सी? एपिस फ्लोरिया। भारत में अधिकतर कौन सी मधुमक्खी का पालन किया जाता है? तो एपिस मेलिफेरा। एपिस इंडिका के एक छत्ते से 3.5 से 4.5 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। एपिस डोर्सेटा स्वभाव में बहुत ज्यादा भड़काव होती है, इसलिए इसका पालन नहीं कर सकते हैं। इसे रॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों पर या ऊंची ऊंची इमारतों पर अपना घर बनाती है और ये सबसे अधिक 15 से 40 किलोग्राम तक शहद देती है। एपिस फ्लोरिया आकार में सबसे छोटी होती है, शहद की मात्रा बहुत ही कम प्राप्त होती है, 200 से 250 ग्राम, लेकिन इसका शहद जो होता है वो सबसे अधिक मीठा होता है। एपिस मेलिफेरा को हम यूरोपियन मधुमक्खी कहते हैं, इसका शहद सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला होता है और भारत में अधिकतर इसी का पालन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुमक्खी की। तो मधुमक्खी किस प्रकार का प्राणी है? तो मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खी कैसा प्राणी है? तो मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। और मधुमक्खी का व्यावसायिक रूप से पालन क्या कहलाता है? तो व्यावसायिक रूप से पालन इसका एपिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी के परिवार में एक रानी मधुमक्खी होती है, 200 से 300 नर होते हैं और शेष श्रमिक मधुमक्खी होती है। रानी का निर्माण निषेचित अंडे से होता है, श्रमिक का निर्माण भी निषेचित अंडे से होता है, लेकिन नर का निर्माण अनिषेचित अंडों से होता है। रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 32 होती है। श्रमिक मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 32 होती है। और नर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो नर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है n = 16।
अब हम बात करते हैं रानी मधुमक्खी की। रानी मधुमक्खी जो होती है एक छत्ते में एक ही रानी होती है, जो अन्य सदस्यों से कैसी होती है, बड़ी होती है। आप में से इसके ऊपर कौन लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? इसको रफ करो। हाँ ठीक है, तो रानी मधुमक्खी की यदि हम बात करें तो एक छत्ते में कितनी रानी होती, एक रानी होती। रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल अंडे देना। रानी मधुमक्खी कितने प्रकार के अंडे देती है? रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित अंडों से किसका निर्माण होता है? तो निषेचित अंडों से एक तो श्रमिक का निर्माण होता है, एक रानी का निर्माण होता है। जिसे खाने में रॉयल जेली मिल जाती है वो तो रानी बन जाती है, जिसे खाने में रॉयल जेली नहीं मिलती वो कौन बन जाते हैं? श्रमिक। और अनिषेचित अंडों से किसका निर्माण होता है? तो अनिषेचित अंडों से नर का निर्माण होता है। रानी अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार मैथुन उड़ान भरती है और मैथुन के पश्चात नर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है और संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देती है? तो 1,500,000 अंडे देती है। नेक्स्ट हम नर मधुमक्खी की बात करें तो नर मधुमक्खी अगुणित होती है, गुणसूत्र की संख्या n बराबर 16 होती है, लाल मोम रंजन उपस्थित होती है। मुख्य कार्य सिर्फ एक ही होता है, क्या होता है? मृत्यु करना। श्रमिक मधुमक्खी सबसे अधिक काम की मधुमक्खी और सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो किसकी होती है? श्रमिकों की होती है। निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है लेकिन इन्हें खाने के लिए रॉयल जेली नहीं मिलती है, इसलिए ये बांझ रह जाती है, अर्थात अंडे देने का कार्य नहीं करती। इनके उदर में मोम ग्रंथियां होती है, मकरंद चूसने वाले उपांग होते हैं, पराग संचय करने वाले दूसरे टांगों का रूपांतरण होते हैं, और शहद उत्पादन का जो कार्य करती है वो भी कौन करती है? मधुमक्खी करती है। और इनका जीवन काल कितना होता है? तो आप जान सकते हैं 6 सप्ताह होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो जो श्रमिक मक्खी होती है वो 6 सप्ताह में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, फिर से अंडों से नई मक्खियां बनती है। श्रमिक पूरे छत्ते में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो आप याद रखना श्रमिक पूरे छत्ते में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। बिल्डर भी, जो कि छत्ते के निर्माण का कार्य करती है। रिपेयर भी, जो कि छत्ते की क्या करती है? मरम्मत करती है। नर्स भी, जो कि शिशुओं की देखभाल करती है। और अंत में हम बोल सकते हैं गार्ड भी, जो कि छत्ते की क्या करती है? रक्षा करती है। तो आज की क्लास में हमने मधुमक्खी में इतना ही देखेंगे, इसके आगे का हम मधुमक्खी की कल की क्लास में देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है, कल हमारा एपिकल्चर और मधुमक्खी का टॉपिक जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो मधुमक्खी के बारे में हमने इतना ही पढ़ा। मधुमक्खी से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा, आज करूंगा, आप मन में उनका आंसर देखना आपको आता है कि नहीं। व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर कहलाता है। अंडे देने का कार्य कौन सी मधुमक्खी करती है? तो अंडे देने का कार्य कौन सी मधुमक्खी करती है? रानी मधुमक्खी करती है। इसके बाद में नर का कार्य क्या होता है? नर का कार्य मैथुन करना होता है। मोम और शहद का उत्पादन कौन सी मधुमक्खी करती है? मोम और शहद का उत्पादन कौन सी मधुमक्खी करती है? तो श्रमिक मधुमक्खी मोम और शहद का उत्पादन करती है। मधुमक्खी किस प्रकार का प्राणी है? तो मधुमक्खी किस प्रकार का प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n = 32। श्रमिक मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n = 32। लेकिन नर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो n = 16। क्यों होती है n = 16? तो n = 16 इसलिए होती है क्योंकि वो अगुणित होती है, अनिषेचित अंडे से उसका निर्माण होता है। भारत में मधुमक्खियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में मधुमक्खियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5 प्रजातियां पाई जाती है, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिफेरा। अधिकतर पालन कौन सी मधुमक्खी का किया जाता है? तो अधिकतर पालन किया जाता है एपिस मेलिफेरा का। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। तो आप इतना कल रिवाइज करिएगा, इसके आगे का सेशन हम देखेंगे कल। धन्यवाद।